उसको देखते हुए उसमें फायर सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर या अपने टेरेस के ऊपर एक टैंक लगाकर एक ओजिल की व्यवस्था करे, ताकि फायर गाड़ी ना पहुंचने की व्यवस्था में वो खुद ही उसको टैकल कर सके। अपने बच्चे से मिलने की चाह रखने वाली एक महिला अपनी गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। गांव मुंडाल खुर्द की इस महिला ने संबंधित मामले में पुलिस की कार्यशैली के प्रति निराशा जताते हुए पुलिस अधीक्षक से उचित कार्रवाई की मांग की। ये लड़की है, एसडीएम साहब से ने इसने अपने बच्चे के लिए 11/12/2019 को सर्च वारंट निकाल दी। पुलिस इतनी नेग्लिजेंसी कर रही है, मुंडाल पुलिस का कोई वीरेंद्र ढोल है। अभी भी हम लोग उससे मिले तो वो पूरा ड्रिंक किए हुए था। वो व्यक्ति क्या कर रहा है, सर्च वारंट को लेता है, लड़की को साथ ले जाके, इसका 4 साल का बच्चा, इसके पति ने जो दूसरी शादी कर ली है, दूसरी पत्नी के साथ वो रहता है, इसके बच्चे, मासूम बच्चे को सौतेली की माँ से पिटवाता है। लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट कर ली थी पुलिस वालों को कि मेरे बच्चे की सुनवाई करे। एसपी साहब से मिले, एसपी साहब ने रिस्पांस अच्छा दिया, पॉजिटिव रिस्पांस दिया, लेकिन एसपी साहब तो कंसर्न चौकी को ही तो कह सकते हैं, बाकी काम तो कंसर्न चौकी का है। कि बेचारी के गरीब पिताजी हैं, उससे 5,000 रुपये गाड़ी के ले लेता हर बार, पता नहीं वो अम्बाला जाता या नहीं। अब की बार जब ये लड़की को लेके अम्बाला गए, इसको धक्के मारे, एक जेंट्स पुलिस वालों ने लड़की के ऊपर हाथ चलाया, उसके धक्के मारे, तू बाहर निकल जा, हम तेरे लड़के को लाए ना लाए ये हमारी जिम्मेवारी है। अब ये बच्ची और इसका ये गरीब पिताजी कहाँ जाए। मैं आज मेरा बच्चा पेश होना था यहाँ पे एसडीएम सर के पास में, और पुलिस वाले ने कहा था कि हम खुद पेश करेंगे, अभी तक तो उसको लेकिन नहीं आई है। और और उसके बाद में उन्होंने, मैंने वहाँ पे भी उनके साथ में गई थी, गाड़ी उन्होंने कहा था कि भाई 4 बजे तुम गाड़ी को तैयार रखना। मेरे पापा ने गाड़ी को तैयार रखा, पैसे दिए, जब वहाँ तक गए पैसे दिए, गाड़ी का किराया सब कुछ मेरे पापा ने ही लगाया। और उसके बावजूद वहाँ जाने के बाद मैंने कहा कि सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरे को भी साथ में अंदर आने दीजिए, नहीं फिर, लेकिन वीरेंद्र ढुल सर ने मेरे को धक्का दिया, उसने मेरे अंदर नहीं एंट्री नहीं करने दी। उसमें जो उसकी इलीगल पत्नी है जो दूसरी थी तनु नाम से जिसको रख रहा है, उसने भी मुझे धक्का दिया, भी कैमरे कस्टडी है तो अंदर कैसे आ सकती है। मैंने कहा कि मैं वहाँ से वारंट लेके आई हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रही, आप मुझे अंदर आने दीजिए, लेकिन ना ही उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया और मुझे धमकी भी दी कि सारा सामान उन्होंने पड़ोस वालों को डाल रखा था, तो यहाँ पे किसके रहेगी, मैंने तो घर भाई के नाम करवा दिया। फिर मैंने पूछा भी अब तुम कहाँ रह रहे हो, या मैं कहीं भी रहूँ, मैं ही सार रह रहा हूँ। मैंने कहा कि मेरे को मेरे बेटे से तो मिलवा दे।